मुझे 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 कुछ कहना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे, वो उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो, मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे मैं खामोश रही। मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की अपना नाम जो ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू, मैं किसी लड़की का नाम नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6 जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना, मेरे लिए 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला, मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊँगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए। मैंने तो कभी, यार मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ जितने तमाम मेरे दोस्त हैं सब जानते हैं। और आप पूछे कि आगे क्या स्टेप रहेगा, तो मेरा कोई स्टेप नहीं रहेगा। मेरा ये स्टेप है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, जिसने मुझे राखी बांधा है, जिसने मुझे 20 साल से, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इंडिया टीवी के जरिए, मेरे को नाम मिला, फेम मिला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो राखी का है। क्योंकि मैं ऑन कोट अनकोट करूंगा कि रजत शर्मा की, बहुत रजत शर्मा जी की, जो मेरे बॉस रहे इंडिया टीवी में, उनकी फेवरेट थी राखी। उसको बिग बॉस में ले जाना, उनको दलदल में जाके वीडियो बनाना, ये बहुत फेमस थी उस समय भी जितना आज है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, जैसे रिपोर्टर्स के लिए अपने न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे इससे न्यूज़ मिलती थी और वो न्यूज़ करोड़ों लोग देखते थे। और न्यूज़ फेक नहीं होती थी पवन, जब हम इतना पानी में जाके सेंटाक्रूज में वहाँ पर न्यूज़ कवर किया करते थे, ना कि डेंगू चलाया करती थी। आज भी, और आज भी है। तो प्लीज मेरा स्टेप कुछ नहीं है, मेरा एक ही स्टेप है कि राखी सावंत जो मेरी बहन है, उर्फ राखी सावंत उर्फ फातिमा जो मेरी बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग खामोश रहे, तो मेरे पे इल्जाम लगे ना, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। आप शांत रहिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए। जो मेरे पे इल्जाम लगे मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं मां नहीं बन सकती, कहा मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। कौन कौन आदमी, कौन पति अपनी बीवी के लिए इतने कटाक्ष शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती। मैं चैलेंज करता हूँ, ये क्या तरीका है, क्या तरीका है? कोई आदमी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा सहन करेगा अपनी अपनी बहन के लिए ऐसा बोल रहे? कोई कौन पिता, कौन पति ऐसा सब सहन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज़ किए ये इसने? मैं इमिडिएटली डॉक्टर वीणा के पास गई, जाके वीडियो बनाया, आपने देखना देखा सबने। ये इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे मीडिया में जगत में पागल कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, मैं सिंपथी लूंगा सबसे, सबको तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 20 साल से तुम यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल हो। मेरे ना माँ बाप है, मेरा ना कोई गॉडफादर है, मैं ठोकरे खा खा के बॉलीवुड में आई हूँ। आइटम सॉन्ग बोले, रियलिटी शो, रियलिटी शोज बोलिए, मैं मेहनत करके आई हूँ। मैं जहाँ जाती कंट्रोवर्सी हो जाती, कंट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं कभी चाहती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फ़ायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था,
मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा है। सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले पे चढ़ गया था एक दिन छाती पे। इसका कहना है कि फराह खान को नहीं भाई, सलमान से कभी नहीं मिला, उसने कल बोला। पूरा अबू धाबी साक्षी है, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था, आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के कैसा है ध्यान रखना, ऐसा बोला था भाई ने पूरे अवाम के सामने। नहीं नहीं मेरा खत्म नहीं हुआ है, सुनो। हाँ कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ? आईफा से ले लो, आप आईफा से वीडियो ले लो। हाँ उनके वीडियो, उनके पास वीडियो है। आखिर अभी सलमान खान से कोई बात हुई? बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली। तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप पहली बात तो आप सोचिए, पहली बात तो सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई। आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम, और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मेरा मिस कैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिस कैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिस कैरेज हुआ है, जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है, आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है, और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के, 8 कितने केसेस है आपने देखे, मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस, उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया। क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया? शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं। नल्ले नल्ले, तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना, तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा, तूने शर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते, अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनाओ। सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता? सो के बाद उठने के बाद एक मिनट सो के उठने के बाद क्या अपने सेंसेस में नहीं होता है? क्या होता है ना, और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए या रुमाल होना चाहिए, क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था। मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मेरा मिस कैरेज हुआ ये हर चीज़ का है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी सब, मैं अब मैं जा रही हूँ, तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे। मैंने कहा तुम हर वक्त झूठे बोले हो, उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई है, उसने हमेशा दो बार, दो वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसमें खाई और तोड़ी है।